चलिए आज जानते हैं कि अगर आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काम करना बंद कर दे तो कैसे क्या करें जिसके बाद आईफोन का फिंगरप्रिंट काम करना स्टार्ट कर दे। यानी कि अगर आपका आईफोन का टच आईडी डीएक्टिवेट हो गया है तो उसे एक्टिवेट कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक आप देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आपको हम बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास आईफोन 7 है और इसका टच आईडी डीएक्टिवेट हो गया है और हम आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे और आपको हम बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन का टच आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दूं कि आईफोन का टच आईडी डीएक्टिवेट कैसे होता है। या तो आपके फ़ोन का कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई होगी या तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर ख़राब हो गया होगा या तो आपके सॉफ्टवेयर में ही ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन डिलीट हो गया होगा। कैसे सॉल्व होगा तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। पहले क्या कर लेना है, अपने आईफोन की सेटिंग में चले आना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे टच आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है जो शो नहीं कर रहा है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक्स नहीं लगा सकते हो। नीचे में आपको टर्न पासवर्ड ऑफ का ऑप्शन जो मिलता है वो आपको यहाँ पे ब्लू लाइन में मिलेगा जो यहाँ पे हाईलाइट है, यानी कि यहाँ पे ये शो कर रहा है और इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा इसे ऑफ करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये जो ऐड फिंगरप्रिंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो भी ब्लू लाइन से लिखा हुआ रहेगा, यानी कि वो लाइट करेगा। तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा तभी आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे काम करने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आईफोन अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है जो फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक होगा, वो भी यहाँ पे अगर आप ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे टच आईडी का ऑप्शन मिलता है और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल लिखा जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से बैक चले आते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला, आप जनरल सेटिंग में जाएँ। जनरल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट के नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन है तो आप उसे अपडेट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से निकल जाना है। अपडेट होगा तो यानी कि आपके फ़ोन का जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से निकल जाना है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, अपने आईफोन को रीसेट कर देना है, यानी कि हार्ड रीसेट मार देना है, जिससे कि आपके आईफोन में जो भी प्रॉब्लम यानी कि सेटिंग से हुई होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी और आपके आईफोन का टच आईडी जो डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने आईफोन में फिंगरप्रिंट लॉक फिर से लगा सकते हो। अगर ये सब करने से भी अगर आपके आईफोन का फिंगरप्रिंट एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन 400 या 500 रुपये में आईफोन का फिंगरप्रिंट मिल जाता है ओरिजिनल, आप उसे मंगवा कर किसी अच्छे दुकानदार से लगवा लें या अगर आपके आईफोन वारंटी में है तो आप उसे एक सर्विस सेंटर में जाके उसे ठीक करवा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने आईफोन का टच आईडी डीएक्टिवेट को एक्टिवेट कर सकते हो। फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दे लाइक और शेयर और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।